सनसनी। वो साए की तरह पीछा कर रहा था और मैं अपने फोन पे चैट कर रही थी और तो वहाँ पे एक आदमी आया वो और वो मेरे सामने ही वाज पेसिंग एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी। वो घिनौनी करतूत को अंजाम देने आया था। तो मैं खड़े होके उधर से निकलने का कोशिश की तो वो मेरे सामने आके उसने रास्ता ब्लॉक कर लिया। वो बेखौफ था, पुलिस से बेपरवाह था, लेकिन अचानक इस लेडी टीचर के साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। मैंने उसको बोला कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो उसने ही अनज़िप्ड हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड टचिंग हिमसेल्फ। ये सनसनीखेज घटना दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की है। यहाँ नई पुरानी भव्य इमारतों में कई कंपनी के दफ्तर हैं, कई संस्थाओं के सेंटर हैं। कनॉट प्लेस में हर रोज हजारों लोग शॉपिंग या काम से आते हैं। ये महिला उसी कनॉट प्लेस में हुई अपनी डरावनी आपबीती सुना रही है। महिला के मुताबिक वो एक संस्थान में टीचर है जो कनॉट प्लेस की ही एक बिल्डिंग से चलता है। रोज की तरह शनिवार सुबह भी ये महिला स्टूडेंट्स को पढ़ाने इंस्टीट्यूट आई थी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे जब महिला मोबाइल पर बात करती हुई बिल्डिंग की छत पर पहुंची तो उसका सामना हो गया एक शैतान से। महिला के मुताबिक छत पर एक अजनबी शख्स अचानक उससे छेड़खानी करने लगा। मैं अपने ऑफिस के छत पे थी और मैं अपने फोन पे चैट कर रही थी और तो वहाँ पे एक आदमी आया वो और वो मेरे सामने ही वाज पेसिंग एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी। तो मैंने उसको पूछा इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, सो ही पॉइंटेड एट माय अपर बॉडी पार्ट एंड मैं खड़े होके उधर से निकलने का कोशिश की तो वो मेरे सामने आके उसने रास्ता ब्लॉक कर लिया एंड देन ही रीच्ड आउट एंड ही ग्रोप्ड मी। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती वो शख्स बेशर्मी पर उतर आया। वो अपने कपड़े उतारने लगा, अश्लील हरकतें करने लगा। किसी अनहोनी के डर से ये महिला घबरा गई, लेकिन उसने हौसले से काम लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद उस शख्स ने छत का दरवाजा बंद कर दिया और महिला का फोन छीन कर फरार हो गया। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो उसने ही अनज़िप्ड हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड टचिंग हिमसेल्फ एंड उसके बाद मैं साइड से निकलने का कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा कि छत का दरवाज़ा उसने बोल्ट कर रखा था एंड वो मेरे पीछे आया, उसने मुझे धक्का दिया दरवाजे के अगेंस्ट, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीना और एक उधर से दूसरे छत पे कूद के भाग गया। महिला की आवाज सुनकर छत पर ऑफिस के कई लोग जुट गए, लेकिन तब तक वो शख्स कूदता फांदता हुआ फरार हो चुका था। इस घटना के बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने कंप्लेंट लॉन्च किया है, मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी दिया है और पुलिस आई थिंक इन्वेस्टिगेट कर रही है। कनॉट प्लेस जैसी अति संवेदनशील जगह पर छेड़खानी की घटना के बाद पुलिस हरकत में तो आई, लेकिन उसके पास कोई ठोस सुराग नहीं है। छानबीन के लिए बिल्डिंग से लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की जा रही है, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सुरक्षा के तमाम दावों के बाद भी कनॉट प्लेस जैसी जगह पर दिन दहाड़े छेड़खानी कैसे हो गई। बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? सनसनी के लिए दिल्ली से अजातिका सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।